हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके। गाइस बहुत ही तड़कती भड़कती न्यूज़ लेके आया हूँ, गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। गाइस आपने अगर CUET का मतलब UG PG या आपने JEE का एग्ज़ाम दिया है ना, तो गाइज अगर आपने CSAS UG का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आपने CSAS PG का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया और डेट निकल गई है, तो DU BTEC का जो आपने रजिस्ट्रेशन की डेट अभी निकल गई है, जिनकी DU में से जो बच्चे BTEC करना चाहते हैं वो रजिस्टर ही नहीं कर पाए, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? अभी भी डेट है गाइज, एक लास्ट चांस आपके लिए है, गुड न्यूज़ है गाइज। और आपको कैसे रजिस्टर करना है, क्या है मिड एंट्री और कैसे होगा ये चीज़, तो पूरी डिटेल में आपको वीडियो में दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज आपसे। गाइज हमारा चैनल अभी ग्रो कर रहा है, हमें ग्रो करने में मदद करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को और शेयर करिए, ताकि हमारी रीच और लोगों तक जा सके और स्टूडेंट्स तक जा सके और उनको भी हेल्प मिल सके। तो गाइस कैसे आपको ले के चलता हूँ, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, पूरी डिटेल में एक वीडियो लाया हूँ। तो गाइस बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे चलना पड़ेगा गाइस, गूगल पे एज ऑलवेज, ठीक है, DU एडमिशन 2023 लिखना होगा, ठीक है। आपने जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर नीचे आइएगा Admission 2023-24, ठीक है, इस लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो देखिए CSAS का रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गया है ना UG का, तो इस पर क्लिक कर देना गाइस, ठीक है, इनके इस पर, ठीक है। ये जो गाइस है, ये जो स्केजुअल है, ये जो स्केजुअल में ही आपके लिए वो ऑप्शन है गाइस, स्केजुअल में ही वो ऑप्शन है, देखिए गाइस, इसको बोलते हैं मिड एंट्री। मिड एंट्री का मतलब क्या होता है कि आपने CSAS का रजिस्ट्रेशन UG का किया नहीं था, लेकिन अब आप मिड एंट्री ले सकते हो, आपके पास एक लास्ट चांस है, और कैसे ले सकते हो वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे चलिए, ये लाइन देख सकते हैं जहाँ पे मेरा मोबाइल मतलब ये लैपटॉप का कर्सर, देखिए जहाँ पे ये है, ये हवर कर रहा है, डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट 17 अगस्त, उसके नीचे ये टर्म लिखी हुई है मिड एंट्री। मिड एंट्री विंडो टू रीऑर्डर हायर प्रेफरेंस, ये सब जो दिख रहा है ना, मिड एंट्री जो ओपन होगी UG के लिए CSAS राउंड की, तो 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक आपके लिए पोर्टल दोबारा खोला जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन CSAS का नहीं करा था, उनके लिए ये पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगी गाइस आपको, मतलब थोड़ी सी फ़ीस देनी होगी, 1000 रुपये आपको एक्स्ट्रा फीस देनी होगी रजिस्ट्रेशन के, ठीक है। आपको पोर्टल पे जाना होगा और आपके लिए वो रजिस्टर का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, जो CSAS का UG का पोर्टल है ना, देखिए ये वाला पोर्टल है, इसमें यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आ जाएगा। कब आएगा? ये वाली डेट को आएगा, 17 अगस्त 2023 से 19 अगस्त 2023 तक विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको पे करना होगा 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन, 1000 रुपीज़, ये UG के लिए, ठीक है। अब मैं PG के लिए बता देता हूँ, अगर PG में किसी का रजिस्ट्रेशन मिस हो गया हो तो उसके लिए भी बता देते हैं गाइस। देखिए ये रहा PG का स्केजुअल, ये रहा स्केजुअल में ही लिखा है सारी चीज़ें गाइस, इसमें भी आप देख सकते हैं। वैसे तो अभी ये चल ही रहा है, बट इसमें मिस होने का कोई चांस नहीं है, बट मैं एक बार बता ही देता हूँ आपको, अगर आपका मिड एंट्री, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मिड एंट्री, 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपको दोबारा इसमें एंट्री मिलेगी, लेकिन इसमें आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ठीक है, तो ही ये ओपन होगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन में आपको 1000 रुपये जब आप दोगे तो यहाँ से एंट्री मिलेगी आपको, ठीक है। बस एक ड्रॉबैक होता है गाइस मिड एंट्री में, आपको अच्छे कॉलेजेस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये नहीं कह रहा नहीं मिलते, बट बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं गाइस ये मिड एंट्री में, ठीक है। ये मिड एंट्री क्या होता है, क्या बला होती है, कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। अब फाइनली जो हमारा बहुत अवेटेड कोर्स है BTEC का
स्कैजुअल खोल लीजिए। अगर आपने बीटेक में अभी तक रजिस्टर नहीं किया है गाइस, अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो आपके लिए लास्ट और फाइनल चांस डीयू दे रहा है आपको, ठीक है। आपके लिए जो मिड एंट्री की विंडो खोली जाएगी वो आपको 21 अगस्त से लेकर 22 अगस्त खोली जाएगी मिड एंट्री के लिए। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है गाइस, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, अपनी सारी चीज़ें रेडी रखना, एंड मिड एंट्री के लिए आपके लिए खोला जाएगा पोर्टल दोबारा से। लेकिन इसमें आपके से चार्जेस लिए जाएंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाएंगे। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा गाइस, ये जो हमारी डीन मैडम है उन्होंने पहले भी एडमिशन के वेबिनार में बोला था कि मिड एंट्री ली जाएगी, ठीक है। तो मिड एंट्री हर साल आती है, ठीक है, इस साल भी आई है। तो ये मिड एंट्री बीटेक वालों के लिए, डीयू बीटेक के गुड न्यूज़ आपके लिए, कि आप मिड एंट्री अगर आपने रजिस्टर नहीं किया था अभी तक, जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे आपने इस वाली वेबसाइट पे जाके रजिस्टर नहीं किया था, ये वाली वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन निकल गया है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इस दिन रिलीज़ हो जाएगा, 21 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ये ऑप्शन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये मिड एंट्री बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपने अभी तक इसके बारे में नहीं पता था मिड एंट्री होता क्या है, तो मैं एक बार आपको ब्रॉशर से पढ़ के बता देता हूँ कि मिड एंट्री एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। ये रहा ब्रॉशर CACS का, ठीक है। इसमें हम वर्ड सर्च करते हैं मिड एंट्री, ठीक है, वर्ड सर्च करते हैं मिड, ठीक है। ये देखिए मिड एंट्री, ये रहा देखिए, ये है रूल, देख लीजिए, पूरा रूल है ये, देख सकते हैं आप। कैंडिडेट हु फेल टू अप्लाई फॉर CACS UG विल विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आर डिज़ायर टू पार्टिसिपेटिंग इन CACS UG, आपके लिए 1000 रुपये की पेमेंट करनी होगी गाइज। देख सकते हैं आप, ये UG के लिए है और ये PG के लिए भी होगा, एंड ये BTech वालों के लिए भी होगा। BTech वालों के लिए भी दिखा देता हूँ, उसमें उनका जो BOI आया था, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें ये होगा, ठीक है। इसमें भी हम सर्च करते हैं, सॉरी एक मिनट, इसमें भी हम सर्च करते हैं मिड, देखिए ये रहा ना गाइस। बीटेक वालों के लिए थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, आपके लिए 1000 रुपये नहीं लगेंगे, आपके लिए मिड एंट्री के 2500 रुपये लगेंगे आपके, ठीक है ना। बीटेक वालों के लिए न्यूज़ है ये, बीटेक वालों के लिए अगर आपको मिड एंट्री लेनी है तो आपको 2500 रुपये में मिड एंट्री मिल जाएगी, ठीक है गाइस, ये देख सकते हैं। लेकिन आपने इसमें कोई श्योरिटी नहीं होगी कि आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट ये लोगों ने बोला है कि आपको 2500 रुपये देने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। अगर आपका एडमिशन नहीं होता तो वो लौटाए नहीं जाएंगे पैसे। देखो UG का हो गया 1000, ठीक है, और BTech वालों के लिए 2500 रुपये, ठीक है। कितनी फ़ीस लगेगी ये बता देता हूँ एक एक करके, और PG का भी देख ही लेते हैं गाइस, PG का भी दिखा देता हूँ, जब पूरा दिखाई रहे तो सब चीज़ हो जाए ना एक बार। PG का भी हम देख ही लेते हैं, CACS PG का तो मैंने बता दिया आपको कि 2500 आपके लिए लगेंगे लगेंगे, आपको देने ही देने पड़ेंगे गाइस, ठीक है। PG का भी हम देख लेते हैं, मिड एंट्री इनका कब है, तो ये रहा, PG के लिए भी 1000 ही रुपये लगेंगे गाइस। अगर आपका PG का फॉर्म मिस हो जाता है, बाय चांस किसी का PG का फॉर्म मिस हो जा रहा है, तो उसके लिए भी 1000 रुपये ही लगेंगे। तो मैंने सारे बता दिए, UG के लिए आपके 1000 रुपये लगेंगे, ठीक है। UG CACS का आपको मिड एंट्री लेनी है, आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो गाइस आपके लिए 1000 रुपये होंगे, ठीक है। और इसमें एक क्राइटेरिया और होता है गाइस, देख सकते हैं, इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि मिड एंट्री विल नॉट बी अलाउड फॉर ECA स्पोर्ट्स नंबरी कोटा परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, दैट इज़ BA ऑनर्स म्यूज़िक, जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए अलाउड नहीं होता है ये चीज़, ठीक है। और भी दिखा देता हूँ, बीटेक में भी कोई इन लोगों ने वो रखा होगा रेस्ट्रिक्शंस, नहीं, इन लोगों ने सीधा रखा हुआ है कि 2500 रुपये दो और फिर से रजिस्टर कर देना आप। तो जिन बच्चों का बीटेक का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है गाइस, उनके लिए गुड न्यूज़ है। और इसमें भी देख सकते हैं, MA में भी MA म्यूज़िक BPED एंड MPED स्पोर्ट्स नंबरी कोटा दोबारा रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, ये बहुत उनके लिए थोड़ी सी अनोइंग न्यूज़ होगी, लेकिन बाकी बच्चे तो कर सकते हैं रजिस्टर गाइस, आपके लिए गुड न्यूज़ है। बीटेक वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, बिकॉज बीटेक के और यूजी के फॉर्म्स जिन लोगों ने फिल नहीं किए उनका तो एंड हो गया है डेट,
तो मिड एंट्री के द्वारा आपको दोबारा से एंट्री, एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपको कि मिड एंट्री में जब आपका एडमिशन होता है, मतलब आप जब एनरोल होते हो उसी पोर्टल पे, तो आपको श्योरिटी नहीं होती कि अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। आपको मिलेगा तो बेकार कॉलेज ही मिलेगा, लेकिन जो मिले वो ही, जो पहले मिले वो ले लेना। अपग्रेड के चक्कर में मत फंसना, अपग्रेड के चक्कर में अगर आप गए तो भाई साहब फिर आप लंबा खिंच जाओगे, तो ये बात ध्यान रखना है। ये बहुत रिसर्च से बता रहा हूँ, मैंने ऐसी कोई भी बात हवा में नहीं फेंकी है। आपने अगर अपग्रेड के चक्कर में मिड एंट्री आपकी है और आप अपग्रेड के चक्कर में जा रहे हो, तो आप फंस जाओगे। आप सीधा जो सीट मिले उसको फ्रीज़ कर देना, ठीक है, जो सीट आपको मिलेगी ना वो सीधा फ्रीज़ कर देना। अगर आपको कोई सीट मिलती है मिड एंट्री में, बीटेक में, अगर आप बीटेक में एनरोल हो, यूजी में एनरोल हो, पीजी में एनरोल हो, और अब मिड एंट्री में आपको कोई भी कॉलेज मिलता है कोई भी, तो आप उसको फिक्स कर देना गाइस, उस पे से हटना मत, ठीक है, फिक्स करके फ्रीज़ कर देना, और उसके रिगार्डिंग पेमेंट करके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके और अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। बिकॉज़ ये रीज़न क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लंबा फंसे रहोगे तो वहाँ पे जब आपका कहीं और कॉलेज होगा, एक तो ख़राब कॉलेज मिलेगा, ठीक है, ऊपर से जैसे ही आपका एडमिशन होगा 1 महीने बाद ही आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो आपकी सप्ली लग जाएगी, मतलब बैकलॉग लग जाएंगी बहुत सारी वहाँ पे, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की होगी और आपकी सप्ली लग जाएगी। तो ये प्रॉब्लम फेस आती है गाइस उस टाइम, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस है। कई स्टूडेंट्स पिछले साल ने, क्यों यूजी का हुआ था तो ऐसे सीन हो गया था, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर मिड एंट्री आप ले रहे हो एंड आपको कोई भी कॉलेज मिल रहा है, फिक्स कर दो, फ्रीज़ कर दो, और उसके रिगार्डिंग पेमेंट करके अपनी पढ़ाई शुरू कर दो उसके रिगार्डिंग। तो यही कुछ था गाइज़ वीडियो में इसके रिगार्डिंग। अगर आपके कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो गाइज़, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा बीटेक वालों के लिए। बीटेक का देखो, आपका फाइनली जो एलोकेशन लिस्ट आएगी वो 2 अगस्त को आ जाएगी, 2 अगस्त को आ जाएगी, आपको मैं उन्हें बता दिया था। और यूजी वालों का तो कल ही आ जाएगा, ठीक है, यूजी वालों को लिए तो कल ही आ जाएगी एलोकेशन लिस्ट। और पीजी की जो एलोकेशन लिस्ट है वो 17 अगस्त से बता रखा है इन लोगों ने स्केजुअल में, ठीक है, पीजी का जो ये देख लीजिए आप, इसमें 17 अगस्त से ही है ये, ठीक है। तो तीनों का एक एक करके आ जाएगा, और हमारे चैनल के थ्रू ये चीज़ आपको बताई जाएगी, पूरी अपडेट दी जाएगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। गाइज़ देखो, अब वीडियो तो हमें डालनी होती है ना, तो नोटिफिकेशन से इरिटेट मत हो, आप नोटिफिकेशन ऑल मत करो, आप नोटिफिकेशन पे रखो ताकि आपको डिस्टर्ब भी ना हो और एंड आपका काम भी होता रहे। तो गाइज़ यही कुछ था वीडियो में, एंड इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई होगा। मैंने हर कमेंट का रिप्लाई दिया अपने चैनल पे, हर कमेंट, ऐसा एक भी कमेंट नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो, ठीक है ना गाइज़, हमारे चैनल की पॉलिसी है। तो गाइज़ ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, एंड हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे अगर मुझसे आप बात करना चाहते हो तो डायरेक्टली आके मुझसे बात कर सकते हो वहाँ पर, उस ग्रुप को ज्वाइन करके, एंड उस ग्रुप में आप मेरे को मैसेज करेंगे, आपको मेरा लास्ट मैसेज वहाँ मिलेगा, वहीं मेरी प्रोफाइल पर आप जाके मैसेज कर सकते हैं। उस ग्रुप की लिंक भी मैं, टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक मैं दे देता हूँ आपको, डिस्क्रिप्शन भी बता देता हूँ उसका, ताकि आप पहुँच पाओ वहाँ तक। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है DU के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए, एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता तो, क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पर। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो गाइज़ एक लाइक तो बनता है, एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।